हेलो मंचकिंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एम ऑन माय वे टू द एयरपोर्ट बिकॉज आज मैं जा रही हूँ दिल्ली फॉर द नेक्स्ट टू डेज। आई एम गोइंग टू अटेंड लैक्मे फैशन वीक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एंड आई एम सो एक्साइटेड। आई एम नॉट वॉकिंग द रैम्प। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है मैं लैक्मे फैशन वीक में जा रही हूँ तो आई विल बी वॉकिंग द रैम्प। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल बी अटेंडिंग इट एंड पिछले साल मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, इस बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है टू विटनेस 3 अमेजिंग शोज। 13th इज गोइंग टू बी लाइक सुपर हेक्टिक। टुडे इज 12th, सो आज ही निकल रही हूँ क्योंकि कल सुबह सुबह आई हैव टू स्टार्ट गेटिंग रेडी अराउंड लाइक 9 o'clock। 2 बजे का इवेंट है, देन लाइक मैं बता भी नहीं सकती, कल मेरे को सांस लेने का भी टाइम नहीं है। ऊपर से स्ट्रेस के कारण मेरे माथे पे कल रात को एक पेपर निकल आया है, मुझे रात भर इतना दर्द रहा है। मम्मा मेरे को ड्रॉप कर रही है, हाय कर रही थी। आप ड्रेस दिखाऊंगी कल की आपको शायद पसंद आए। इट्स वेरी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, आई हैव नेवर वोर्न एनीथिंग लाइक दैट, लाइक इट्स वेरी हाई फैशन। ओ, मैं सोच रही थी मैं बिंदी लेकर जाऊंगी। बिंदी चला जा रही शायद क्रिस्टल वाली लेकिन मैं लेके आना भूल गई। कन्फर्मेशन एकदम लास्ट मिनट आया था, तो बहुत लास्ट मिनट मैंने कल होटल बुक कराया और इट्स नॉट एक्सपेंसिव पड़ा है ना, मैं क्या बताऊं। बहुत लंबी सिक्योरिटी लाइन है यार। सो मैं पहुंच तो गई हूँ, चेक इन वेक इन हो गया, बहुत सीमलेसली हुआ सब कुछ। अभी सिक्योरिटी की बहुत लंबी तगड़ी लाइन है, आप पीछे देख सकते हो। सिक्योरिटी करके आई थिंक सीधा आप तो बोर्डिंग ही स्टार्ट हो गए। And I actually had the middle seat. He was like very kind and I got the window seat. So I've arrived. मुझे लगा था मेरा T3 पर होगा landing, but no, I landed T2 पर. So Uber मैंने book कर लिया। I just missed a subscriber. She was so sweet. And मेरी ये हालत रखी है, pimple patch लगा के घूम रही हूँ मैं। बस अभी Uber लेती हूँ and then फिर आपको मिलती है। It's showing like 20 minutes में मैं पहुँच जाऊँगी, so nothing better than that. होटल, सो फार इट लुक्स गुड, आई एम वेरी टायर्ड। लुक एट मी, मैं पोनी में निकली थी, आई मीन छोटी निकल आई है। रूम में पहुंच गई हूँ। उन्होंने एक अच्छी चीज की, मैंने एक सुपीरियर रूम बुक कराया था। मैंने कहा था मुझे नेचुरल लाइट वाला रूम चाहिए, तो उन लोगों ने मेरा सुपीरियर रूम स्वीट में कन्वर्ट कर दिया है। आपको दिखा देती हूँ अपना रूम टूर, तो इम्पोर्टेंट है। रूम से ऐसे एंटर करते हुए दिस इज द गेस्ट वॉशरूम, इसके बाद दिस इज द सिटिंग एरिया। दे गॉट मी फ्रूट्स, दे गॉट मी वाइन विच आई थिंक आई वॉन्ट ड्रिंक बिकॉज मेरे दाने निकल रहे हैं ऑलरेडी फेस पर। दैट्स द व्यू यहाँ से। दिस इज द रूम, नॉट बैड, इट्स क्यूट। द चेंजिंग एरिया ऐसा कुछ, ये मेरा वॉशरूम है एंड दिस इज द बाथटब। सो मैंने एक बहुत छोटी सी नैप ली, मेरी आँख लगी मेरे को पता नहीं चला एंड अभी मैं बाहर आई हूँ। काफ़ी भटकते भटकते आई शो यू गाइस, कुछ डिमसम खा रहे हैं हम, आमंड एंड ब्रोकली। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की जगह है। ऊपर मेट्रो है, इतना ज़्यादा भर गया ना, मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी पी लिया मुझे लगता है। चलो बाय, मैं सोने जा रही हूँ। बाय, टुमोरो इज़ अ वेरी हेक्टिक डे। और मेरा पिंपल तब बड़ा हो गया है। गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वोक अप, आई टुक शावर, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, नाउ आई एम गोना गो डाउनस्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट। एंड यू नो व्हाट, मैं कितने बजे उठी? 7:30। इनफैक्ट मैं 6 बजे उठ गई थी, पर जब मैंने 6 बजे देखा मैंने कहा नहीं यार हिमाद्री, यू डिजर्व टू स्लीप थोड़ा और, तो आई स्लैप्ड अगेन। मेरा ना दिमाग बहुत एक्टिव था इन द सेंस दैट आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक डे। ये होता है पता है, व्हेन यू हैव टू ट्रैवल सोलो एंड यू जस्ट यू गेट वेरी रिस्पॉन्सिबल अचानक से, वरना अगर कहीं साथ में हो ना तो यू आर लाइक कि चलो ठीक है, मतलब बगल वगैरह तो देख ही लेगा। That's Bagi, that's Ankit. Hello. So video shoot करेंगे हम अभी। एक audio मैंने decide किया है but I'm not sure कि मुझे क्या transition करना है उसमें। Plus Sachin is also on his way. My hair stylist, makeup तो मैं ही कर रही हूँ।
सो मैंने अपना मेकअप वगैरह सब कुछ सेट कर दिया. सो बेसिकली मैं इस साइड बैठूंगी. अब नेचुरल लाइट में मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ अपने मेकअप के साथ. ब्रशेज नहीं रखे हैं बिकॉज थोड़ा सा आई डोंट नो लाइक ऐसा साफ है कि नहीं. वी आर फिल्मिंग द ट्रांजिशन वीडियो. ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा जी. आ गए हैं फाइनली. दैट्स गौरव. हाय एंड गौतम. सॉरी माय बैड. गौतम है यहाँ. मैं दो दिन से सैंपल मांग रही हूँ और ने अभी तक नहीं भेजा मुझे है सैंपल. कुछ शेयर करोगे? बहुत क्यूट लगेगा साड़ी के साथ. मेरा मुंह और छोटा ना लगे मुझे बस ये. अरे फेस बहुत क्यूट दिखेगा. I don't know, मैं कैसे पहनूंगी इसको. तो हम निकल चुके हैं, हम बाकी के कार में जा रहे हैं. ये पहले मेरे को ऐसा था कि मैं ऊबर कैसे करूंगी, सब कुछ बहुत खतरनाक हो जाएगा. हम बहुत पॉइंट टू पॉइंट निकल रहे हैं. करंटली 1:24 एंड 2 बजे का शो है एग्जैक्ट. जहाँ पे लैक्मे फैशन वीक का अंदर का लाउंज है ना, वहाँ पर इनका प्लस वन के लिए मैं आई एम जस्ट आस्किंग कि हो जाए, क्योंकि नथिंग बेटर देन दैट. अगर मुझे प्लस वन का अलाउ हो जाएगा तो और कंटेंट निकल जाएगा हमारा. एंड उसके बाद 3 बजे मेरा एक और शो है. तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी बस होपफुली मैं टाइम से पहुंच जाऊं. आई एम सो स्कैर्ड. एंड इट्स सो लेट. सो आई जस्ट एंटर्ड, सिक्योरिटी वगैरह हुई एंड देयर दिस कार्ट थिंगी दैट्स टेकिंग मी टू द वेन्यू. The lounge and it's so pretty. But I'll just show you guys around. This is the lounge area. इसमें बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बूथ्स हैं. बस एक ये वाला बूथ है, which is like pretty cool. वहाँ पे पूरे डिस्को बॉल्स वगैरह लगे हुए हैं. We have a Tresemme booth. There is a Birkenstock booth. Pinexa है. Kohler का booth लगा है. We got the pass. We got the pass. It's just not a collection for us. It's a testament to the love and dedication we have for our craft. And for every guiding room we serve. Somebody love. जी कैसा लगा शो? मजा आ गया भाई. बहुत अच्छा शो था. इतने सुंदर आउटफिट्स थे एंड दिशा पटानी वाज द शो स्टॉपर. शी लुक्ड स्टनिंग. द पीसेस वर सो प्रिटी. मेरी दिसंबर में बहन की शादी है तो मैं सोच रही हूं मैं कल किसी की शॉपिंग करूंगी. बहुत ही प्यारा. ये तो पूरा टाइम खड़े हुए थे, ये पूरा टाइम वीडियो बना रहे थे. व्हाट्स योर नेम? रागिनी शुक्ला. रागिनी शी इज सो स्वीट. दीदी की शादी की वीडियोस के बारे में शी वाज टॉकिंग अबाउट. सी यू आर सो गुड. अब मैं जा रही हूँ दूसरे शो में. आई वॉज सपोज टू चेंज माई आउटफिट बट इतना भागा दौड़ी इतना कॉन्टेंट शूट हो रहा है दैट आई डिड नॉट गेट द चांस टू चेंज. सो आई एम वेयरिंग द सेम कल के आउटफिट टू गो पास शो विच आई नो इज वेरी वियर्ड. कोई भी इतना चमकदार नहीं है जितना हम चमकते हुए जा रहे हैं.
basically like a swimwear, easy breezy, everyday sort of like a brand. And look at me. Chamaktiri. Supposed to be back around 4:15. बहुत ज़्यादा आगे time निकल गया है and इतने compliments मिले हैं. It's very blingy. मैं दूर से चलती हुई दिख रही थी and लोगों ने मुझे बहुत पकड़ के इधर उधर videos and photos की मैंने. मेरे ना यहाँ देखो पूरा red हो गया ये. इतनी ज़्यादा पैर लाल हो गए एकदम. हम लोगों को बहुत भूख लग रही है तो अभी दाल तड़का और चावल मंगवाया है क्योंकि रात को आफ्टर अटेंडिंग दिस 8:30 वाला शो आई हैव टू गो टू सी द जीके टू अटेंड शिवानीज बर्थडे. सो आई एम हैविंग दाल तड़का विद अचार. दिस होटल इज एक्सपेंसिव. मतलब बहुत महंगा खाना है. तभी हमने कल होटल में नहीं खाया था बिकॉज बहुत महंगा खाना है इस होटल का. पर अभी हम इतने थके हैं कि वी डोंट हैव दैट एनर्जी कि आई गो आउट एंड ईट एंड देन कम बैक टू द होटल स्लीप एंड देन चेंज एंड देन गो अगेन. तो मैं सोचा छोड़ो यार खा लेते हैं कोई बात. आई एम वेयरिंग दिस ब्लिंगी सेट. ये डिज़ाइनर का नहीं है, ये मेरा खुद का सेट है. आई वोन दिस वंस इन सिंगापुर जब मैं पार्टी करने गई थी बट उसमें मैं ठीक से कुछ फोटोज़ नहीं खींचा पाई थी. सो बाय द वे मैं कल निकल गई थी. दिस फ्लाइट पोस्टपोन करा रही हूँ बिकॉज आई गॉट फाल्गुनी शेन पीकॉक का शो लाइक विच इज क्रेजी. इज लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट लाइक कुडंट मिस इट. एंड उसका आउटफिट का भी जुगाड़ हो गया है दैट देहरादून से दीदी ने मेरे लिए एक द्री का आउटफिट एक द्री का लहंगा भेज दिया है क्योंकि लास्ट मिनट है बहुत तो आउटफिट सोर्स भी नहीं हो सकता. सो मैं द्री का आउटफिट पहनूंगी विच इज लाइकली टू बी द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि खरीदने का तो मतलब नहीं बनता. मॉल से कुछ शालगुनी टाइप का तो कुछ मिलेगा नहीं. फटाफट से मैं आउटफिट चेंज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ. आई हैव जस्ट एडेड एन आईलाइनर. रेड लिपस्टिक था नहीं तो ग्लॉस लगा लिया. दैट्स माय आउटफिट. वेरी ब्लिंगी ब्लिंगी. टाइम से पहुंच जाएंगे हम आज. वो बेसिकली आपको वाला एरिया तो मैंने दिखाई दिया था सुबह के टाइम ना, वो सारे बूथ वगैरह थे. दिस साइड थोड़ा सा एंड की टुवर्ड्स में आओ तो देयर इज फूड बेवरेज एंड एवरीथिंग. सो आई एम लाइक रियली थर्स्टी एंड आई एम लाइक क्रेविंग समथिंग हॉट तो आई माइट गेट समथिंग फॉर माई सेल्फ. एंड अभी हम आ रखे हैं यहाँ पर एंड यहाँ पे दे हैव द ऑप्शन ऑफ ओट एंड आलमंड मिल्क विच इज अमेजिंग. और शिवान नरेश इट्स लिटरली 10:30 है ना. मैं जीके में भाग रही हूँ क्योंकि शिवानी का बर्थडे है एंड हमारा फैशन शो बहुत ज़्यादा लंबा चला. लाइक इट टुक एजेस टू फिनिश. आई इवन फॉरगॉट टू बाय फ्लावर्स बट मैंने ईमेल पर उसको उसका गिफ्ट भेज दिया है. गैस्ट्रोनॉमिका वो काम ऐसा था जैसे मैं ना इधर की थी ना उधर की. बहुत लेट हो गया. मैं भाग रही हूँ लिटरली हील्स में. होपफुली शी इज नॉट मैड. मैं आपको देखता हूँ. बहुत हॉट लग रही है. Done? Good.
आई एम चेकिंग आउट एंड मैं जा रही हूँ गुड़गांव क्योंकि आज शाम को मेरा फाल्गुनी का है. सो मेरा फ्लाइट का सीन अभी तक कुछ नहीं है. मैंने अपना फ्लाइट का टिकट्स का देखा था रिफंड का 188 रुपीज़ मुझे रिफंड मिल रहा है. सो आई वॉज लाइक कि इट्स बेटर दैट ना ही कराएं. चलो सी यू गाइस इन अ बिट. मैंने अपने आप को इतनी बुरी तरह से मारा है. ऑलराइट एवरीवन आई एम डूइंग माय मेकअप. माय लहंगा इज हियर बाय द वे. इतनी मुश्किल मतलब कल शाम को निकला ये लहंगा एंड आज सुबह 11 बजे पहुँच गया. पता है हम सबकी जान मुंह पर थी कि व्हाट इफ अगर लहंगा नहीं पहुँचता. मैं पता कुछ भी नहीं होता पहनने को. बट लकी माई ब्यूटिफुल 3 लहंगा के हम निकल गए. 1 घंटे का रास्ता था. सो अभी सो गई थी. अभी 10 मिनट है अभी इवेंट पहुँचने में. सो मेरी आँखें लाल तो नहीं हो रही. Thank you.